दोस्तों भैया जी, मूवी 23 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है। और अगर बात करें सन्नी पाजी की पिछली फिल्म मोहल्ला 80 के बारे में, तो वो फिल्म तकरीबन 6 साल पहले ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन उस पर सेंसर बोर्ड ने बैन लगा दिया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। क्योंकि इस फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपशब्द वर्ड्स और कुछ ऐसे सीन थे जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया, लेकिन फिर मोहल्ला 80 के डायरेक्टर ने उस फिल्म को रिव्यू करने के लिए फिर से सेंसर बोर्ड को अर्जी दी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस अर्जी को स्वीकार कर लिया और उस फिर से उस फिल्म की कहानी को रिव्यू किया। लेकिन उस पर इतना ज़्यादा इस बार कैंची चला दिया कि उसकी पूरी कहानी तहस नहस हो गई। उसके बाद किसी तरह उस फिल्म के मेकर ने स्टोरी को रिकवर किया और किसी तरह उस फिल्म को रिलीज़ कर दिया, लेकिन लोगों को ये कहानी ज़्यादा खास पसंद नहीं आई। जी हाँ, सनी पाजी की अगली फिल्म भैया जी आ रही है। 23 नवंबर 2018 को ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी। जी, और ऐसे में मूवी को सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिव्यू किया है और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा जमकर तारीफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होने वाली है। जी हाँ साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का जो बजट है वो पूरे 30 करोड़ है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या कमाल धमाल मचाती है। जिस तरह सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देख लिया होगा, तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। Subscribe my channel and press the bell icon.